तुरंत हो जाएगा, उल्टा कर पोछा अंदर, उसके बाद फिर सूखा कपड़ा साफ करना, पहले उसको ऐसे पोछ दो खाली, तो फाड़ लो कपड़ा को, वहाँ से छुओ मत ना, वहाँ से मत छुओ, हाँ पकड़ लो खाली, पकड़ने के लिए फिर इस पर केमिकल का कोई भी काम करेंगे ना, हमेशा ये वाला रबर ग्लव्स पहनना है, याद रखने वाला भूलना मत आप लोग। तो सीलन क्या है, केमिकल है ना, तो सीलन लगेगा तो ये वाला ग्लव्स पहनना आप लोगों को। केमिकल वाला कोई भी एप्लीकेशन करेंगे तो हमेशा हमको रबर ग्लव्स हाथ में पहनना है, उसके बाद इसको अप्लाई करना है, ठीक है, नहीं तो हमारा बॉडी के संग स्किन के संग रिएक्शन कर सकता है। ओके आटा ग्लास फोड़ना, तो ये ग्लास निकाल लो, चलो गुड।
ये ग्लास, ये हमारा डिक्की का जो एरिया जहाँ हमारा लगेगा ग्लास, ये एरिया क्लीन हो गया। वो ग्लास को उठाएंगे और इसको रखेंगे सेटिंग के लिए, चेक करने के लिए कि ये जो विंडशील सॉरी टेलगेट ग्लास जो है ये इसी गाड़ी का है कि नहीं। उठा कर लाओ, रखो इस पर। इस पर रख के हम सेट करके देख लेंगे कि ये वाला इसी गाड़ी का है कि नहीं, है ना। अगर दूसरा गाड़ी का होगा तो या तो छोटा होगा या फिर बड़ा होगा साइज में। ओके, बहुत सारा केस में देखा जाता है कि टेलगेट ग्लास हो या फिर विंडशील ग्लास हो, किसी और मॉडल का हम लोग लेके चले आते हैं। किसी किसी में देखिए, ये वाला एंटीना का सिस्टम है ना, ये सॉरी हीटर है, ये वाला ये हीटर है। तो किसी किसी मॉडल में ये हीटर है, किसी किसी में नहीं है। आपको जिस गाड़ी में हीटर है वाला नहीं देखे, आपको वाला दे दिया। हम चुपके में लेके आप आए, जो नहीं जानते लोग वो फटाफट लेके सिलेंडर लगा दिया, फटाफट टान दिया, ऐसा बस हो गया गड़बड़। अब वो स्टोर वाला रिटर्न भी नहीं लेगा उसको, तो वहाँ डिस्प्यूट अराइज होता है। ये डिस्प्यूट ना हो इसी के लिए आपको यहाँ पर टेलेट ग्लास को लगा के हम लोग पहले सेट कर लेंगे। देखो यहाँ पर देख कर हम देख लेंगे कि कहाँ पर कहीं पर एक्स्ट्रा है कि नहीं, बाहर निकला है कि नहीं। हाँ, ये बराबर इसी गाड़ी का है, है ना, कन्फर्म हो गया ना, सेटिंग सही है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, मास्किंग टेप लो। हाँ, बेयर हैंड जिसका हाथ खुला है वो लगाएगा। हाँ, मास्किंग टेप एक वाला एक इधर ला लो और एक उस तरफ मारो। सेटिंग देख लो सही है ना, कि ऊपर जाएगा, हल्का ऊपर आएगा ये इस तरफ, ठीक है ना। चलो, और एक इधर में लगा दो, ठीक है। लग गया वो कटर था ना, स्क्रैपर लेके आना, ऊपर नहीं, इधर भी जरूरत नहीं है, दो से हो जाएगा। कटिंग करेगा ना, एक मिनट, हमेशा 20 से काटना है, 20 से काट के उधर करो और मोड़ नहीं देना है, ये ऐसे मुंह निकला रहेगा। और इसका ऐसा से मारना है यहाँ से, ठीक है, मारो। हाँ, इधर कर, हमेशा 20 से कटिंग करना, ठीक है, आधा से उधर काट देंगे, आधा बस मोड़ना नहीं है, हाँ ऐसे रहने दो इसको, उसको काटो। गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसका अलाइनमेंट हो गया है, अभी ना तेरा तरफ ना मेरा तरफ एकदम फिक्स है, एकदम सिक। मास्किंग टू मास्किंग जब लगाएंगे सिलेंडर के बाद, तो मास्किंग टू मास्किंग मिला देंगे। ये अलाइनमेंट हो गया, ये चेक हो गया, हमको अलाइनमेंट का झमेला खत्म। प्लस दूसरा चेक हुआ कि हमारा इसी गाड़ी का है ये कि नहीं ग्लास, तो ये भी श्योर हो गया कि हमारा इसी गाड़ी का ग्लास है। ओके, ग्लास को हटा कर वापस वहाँ पर रख दो। ग्लास को रखने के लिए एक्चुअली फोम पैडेड स्टैंड होता है, जिसमें फोम पैड किया जाता है, ठीक है। अभी सिलेंडर लो, सिलेंडर लेने से पहले सिलेंडर का जो मुंह है ना,
लोगों का बड़ा वाला लंबी चक्कर होता है ना, आपका कॉन्टिनर वगैरह आता है ना, तो उसको इसी टाइप बड़ा वाला होता है, एक इंच दो इंच का स्ट्रिप होता है, इसी से हम लोग विंडशील ग्लास और डिजल ग्लास को इसको लॉक करेंगे। इसके लिए जो आता है लाल रंग का जो आता है पीला वाला है ना, उठाने के लिए करिए। और एक हमारे हाथ जल के लेके जाए तो ये एक्टिव होते हैं, कैमरा बहुत साथ में, ठीक है। इससे जो पीला वाला आता है ये उठाने के लिए है, जब इसको उठा के लाएंगे ना तो एक बार ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा एक बार हटका मारकर देख लो कहीं लूज तो नहीं हुआ किसी कारण से, अभी हो गया था है ना, तो क्योर हो जाएगा गड़बड़ है कई बार, हाथ पास देंगे ना वैक्यूम नहीं पकड़ क्लियर होता है, ठीक है, वैक्यूम नहीं होगा तो एक खुल सकता है। ये कर लिया, अगर लाल वाला था तो होल बना हुआ है, ये जगह था ना, यहाँ पर एक होल आता है, यहाँ पर होल आएगा, इसके अंदर से ये अंदर से ऐसे घुस के यहाँ पर उसका अंदर घुस जाएगा, वहाँ निकल जाएगा, फिर इसके अंदर घुसा के लॉक करेंगे, ठीक है। लॉक करके तो एक बात का ध्यान देना चाहिए कि पहले पूरा ऐसा खोलो है ना, अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। यही ये चीज़ तो यहाँ से दाग कर रखता है इसको, ठीक है, इसको दबा कर रखोगे खुल जाएगा, वो टाइम कराएगा। हम लोग क्या करते हैं ऊपर करते हैं इसको, ठीक, इसको लिया तुम्हें जब करो ना, देखो तो सीधा से ठीक है, नीचे जाते ठीक है, उसको लेके इसके अंदर ये तो भीतर डूब जाएगा, इसके अंदर में ऐसे डूबेगा, ठीक है, बिल्कुल। और ऐसे इतना पछुड़ना नहीं है, फुल टानो, ठीक है, फुल टानना है, फुल टानना है, फुल, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब किधर होगा, देखो ये, देखो ये, ये हाँ, ये देखो सब कुछ, देखो ध्यान से इसको बोलते रखते हैं ऐसे पकड़ के, देखो जाम हो जाएगा, আমি কি উপর দিয়ে পড়েছিলাম নাকি দাম কথা নেই, তো ঠিক আছে, সেই দাম, সরি মাই মিস্টেক, হ্যাঁ মেরা গলতি থা উসমে না বসে পোটা দাম হলো আবার ঠিক আছে, আর করো আর করো, এক করো হচ্ছে, করো করো আইডো করো হচ্ছে না, এসকা লিভার জাম হো গিয়া হ্যাঁ, এসকা লিভার জাম হো গিয়া, রুক যাও রুক যাও, ওকে এস পজিশন মে লাগানা হ্যাঁ, এ ওয়ালা পার্ট উপর রহেগা, ঠিক হ্যাঁ, তো আগর হাম গাড়ি মে আন্দর ভি রহতে হ্যাঁ হ্যাঁ না, তো গাড়ি মে এ ওয়ালা পার্ট এসে রহেগা হ্যাঁ না, আন্দর কে রহতে রহেগা, ওকে চলো আবি ঢুকাও ইসকে আন্দর মে, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando?
हाँ मिडिल में करो, टर्न 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 हटा ना, ठीक है टाइट हो गया बस है ना, लॉक हो गया ये वाला। ओके अब इसको अनलॉक करो एक बार, ठीक है ये पे, हाँ ठीक है फिर लॉक करो, ठीक है ओके क्लियर हुआ सब कुछ है ना। दबा के इसको ये प्रेस करके, हाँ जो था जिन तो कोई नहीं बेटा, प्रेस प्रेस करके इसको फिर अनलॉक करके खोलेंगे इसको, ठीक है लॉक कर दो फिर वापस बस छोड़ दो छोड़ दो, ठीक है ये हमारा लॉक हो गया। अब इसको 4 घंटा छोड़ देना है, 4 घंटा छोड़ने के बाद गाड़ी को हम लोग ले जाएंगे कहाँ पर, वॉशिंग में ले जाएंगे और वॉशिंग का जो पानी का प्रेशर होता है गन उससे हम लोग इसको चेक करेंगे। नहीं फिर किसे चेक करेंगे, टैप वाटर से, टैप वाटर मतलब नल का पानी से, नल का पानी में पाइप लगा देंगे और फिर पाइप से पानी डालेंगे यहाँ पर, अगर कहीं पर लीकेज होगा ना तो वहाँ से रिस सकता है तो वो समझ में आ जाएगा। और टैप वाटर का स्पीड ही हमारा पानी का, जो बारिश का पानी का स्पीड होता है, क्लियर है समझ आ गया। चलो Thank you.